भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका। अब इतने बजे से खेला जाएगा दूसरे दिन का खेल। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर और कितने बजे से शुरू होगा दूसरे दिन का मुकाबला, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर यानी रविवार से सेंचुरियन में शुरू हो चुका है। पहले दिन जहां भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की। इसके बाद मयंक अग्रवाल 60 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक केएल राहुल 122 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं कप्तान विराट कोहली पहले दिन मात्र 35 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर नाबाद लौटे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 272 रन बना लिए थे। लेकिन दूसरे दिन का खेल लगातार बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाया। लगातार बारिश के कारण दूसरे दिन के दोनों सेशन का खेल लगभग खत्म ही हो चुका है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह की बारिश हुई है उस हिसाब से अब दूसरे दिन का खेल होना मुमकिन नहीं है। हालांकि दूसरे दिन जिस तरह लगातार बारिश हुई है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीसरे दिन का खेल भी बारिश में धुल सकता है। हालांकि इस बारिश के चलते भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले दिन भारतीय बल्लेबाज जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे वो दूसरे दिन भी उसी खेल को जारी रखना चाहते थे, मगर अब बारिश के कारण साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या दूसरे दिन का खेल हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।